एक नजर इस खबर पर। मिक्स मार्शल आर्ट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता 19 मई को नीमच मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश टीम का सिलेक्शन 16 और 17 अप्रैल को भिलाई में किया जा रहा है। भिलाई के केपीएस स्कूल में प्रदेश स्तरीय मिक्स मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता संपन्न होने जा रही है, जिसमें लगभग 16 जिलों से 200 प्रतिभागी अपना चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में करवाने के लिए एक दूसरे को परास्त करते नजर आएंगे। कृष्णा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में इस प्रतियोगिता के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें एक केज बनाया गया है जो कि मिक्स मार्शल आर्ट खेल के लिए बेहद जरूरी होता है। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी वाई फनी कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस दो दिवसीय आयोजन की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और जो अन्य जिलों से बच्चे आएंगे उनके रहने खाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। भिलाई में होने वाली इस दो दिवसीय प्रतियोगिता में भिलाई के वॉरियर्स एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुर्ग जिले से जो बच्चे इसमें प्रतिभागी बनेंगे उनमें से अधिकांशतः वॉरियर्स एकेडमी के सदस्य हैं। साथ ही उन्होंने दुर्ग जिले से सर्वाधिक खिलाड़ियों के चयन होने की उम्मीद भी जताई है। छत्तीसगढ़ मिक्स मार्शल आर्ट एसोसिएशन की तरफ से स्टेट लेवल की चैंपियनशिप नेशनल सिलेक्शन हो रहा है 16 से 17 तारीख को। 16 तारीख को पूरे पहले राउंड के मैचेस हो जाएंगे और 17 को सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस होंगे। जो बच्चे आएंगे बाहर से उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई गई? यहाँ केपीएस में रहने की व्यवस्था है सब बच्चों का। नेशनल 19 मई को नीमच राज्य मध्य प्रदेश में 19 से 22 तारीख के बीच में होगा। यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं सर इस गेम को लेकर? एक केज दिख रहा है सिर्फ? हाँ, एक ही केज में होगा। एक केज में सफल हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, सफल हो जाएगा। 3-3 मिनट का बाउट रहता है एक एक। मिक्स मार्शल आर्ट मतलब आपका इसमें ताइक्वांडो, रेसलिंग, कराटे, जूडो, सभी प्रकार को मिला के मार्शल आर्ट मिला के एक मिक्स मार्शल आर्ट गेम है। फ्री स्टाइल है ये। फ्री स्टाइल बोला जा सकता? हाँ, बोला जा सकता है इसको। दुर्ग जिले के लगभग 40 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं जूनियर और सीनियर कैटेगरी में, तो यहाँ से पूरी उम्मीद है कि ये नेशनल में फिर से जाएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित पूरे देश में बीते 2 वर्ष से कोई भी जिला स्तरीय या प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया, क्योंकि इन दिनों भिलाई सहित पूरा प्रदेश, देश और दुनिया कोविड का दंश झेल रही थी। इसका खतरा कम होते ही सभी खिलाड़ियों ने अपने खेल की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। देखना होगा कि भिलाई में हो रही राज्य स्तरीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में दुर्ग जिले के कितने खिलाड़ी अपना चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए करवा पाते हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेतृत्व कर पाते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।